वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं कवि भूपेंद्र राठौर, कोटा राजस्थान से। आप सबको जानकारी में है, वर्तमान में हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के द्वारा जो कायराना हरकत की गई, लेकिन हमारे लिए गर्व का विषय है कि हिंदुस्तान के सैनिकों ने चीन का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस समय पूरा देश चीन के खिलाफ गुस्से में है, तब उन सैनिकों के साथ हम कवियों का और देशवासियों का भी दायित्व बनता है कि हम साथ खड़े रहकर उनका समर्थन करें। मैं तब कहना चाहता हूँ, बामून संपूर्ण भारत देश की तरफ से उस नापाक चाइना को कि हमारे भारत की सेना के अंदर कितना जोश और कितना दम है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय पढ़ता हूँ और फिर अपनी बात को रखता हूँ। यारों, मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का, राजमहल में जाकर मेरे मस्तक को झुकवाने का। मैं दिनकर का वंशज हूँ, दिनकर की गाथा गाऊंगा, सोती सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा। और जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, और जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। क्या है हमारे भारत का शौर्य, अरे उनकी पूरी तैयारी थी भारत में घुस जाने की, उनकी पूरी तैयारी थी भारत में घुस जाने की, केसरिया झंडों के ऊपर लाल रंग पुतवाने की। पर चीनी को पता नहीं था दिल्ली के दरबारों का, और खेल अभी तो बचा हुआ था भारत के सरदारों का, खेल अभी तो बचा हुआ था भारत के सरदारों का। ये परिवर्तन का भारत है चाइना, ये 1962 का भारत नहीं है, ये वर्तमान 2020 का भारत है। और कैसा भारत है मैं आप लोगों के सामने उस नापाक चाइना से कहना चाहता हूँ। इस तरह का भारत जो आज हम सब इस भारत पर गर्व करते हैं, वो भारत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। कि अब भारत के बेटे मिलकर ऐसा देश बनाएंगे, अब भारत के बेटे मिलकर ऐसा देश बनाएंगे, भारत मुर्दाबाद कहे वो लोग सुधारे जाएंगे, जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाएगी, और जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाएगी। जो भूमि है खंड खंड वो एक एक कर जोड़ेंगे, जो भूमि है खंड खंड वो एक एक कर जोड़ेंगे, जो भारत को गाली देगा घर में घुसकर फोड़ेंगे, जो भारत को गाली देगा घर में घुसकर फोड़ेंगे। अब भारत के बेटे मिलकर वंदे मातरम गाएंगे, मुल्क पड़ोसी चीन पाक भी केसरिया हो जाएंगे, मुल्क पड़ोसी चीन पाक भी केसरिया हो जाएंगे। क्या परिवर्तन है वर्तमान के भारत में, 60 साल से कैद पड़ी थी भारत माता जेलों में, राजा और कलमाणी पैसे खाकर बैठे खेलों में, लाल किला भी अब तक ठंडी ठंडी भाषा बोला था। यार तभी तो मुल्क पड़ोसी कुत्तों ने मुंह खोला था, लेकिन मेरा वादा है अब अच्छे दिन भी आए हैं, लेकिन मेरा वादा है अब अच्छे दिन भी आए हैं। और अब भारत के सैनिक जाकर शीश काट कर लाए हैं, अब भारत के सैनिक जाकर शीश काट कर लाए हैं। प्रणाम करता हूं भारत की केंद्र सरकार को, जिन्होंने वर्तमान में यह आदेश दिया कि भारत की सेना को खुली छूट है, वो जैसे चाहे वैसे दुश्मन मुल्क के साथ सुलूक करे। तब सेना के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं, परिवर्तन पढ़ना चाहता हूं जो मैं दिखाई देता है। क्योंकि कैसा परिवर्तन आया, अरे जिसके मन में जो आता वो भारत से कह जाता था, जिसके मन में जो आता वो भारत से कह जाता था, भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था। पर अब दिल्ली के दरबारों ने सेना से प्यार किया है जी, और घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी, घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। क्योंकि कब तक अपने गालों पर हम चाटे खाते जाएंगे, गांधीवादी नीति से हम कैसा देश बनाएंगे। अरे अब तो भूले गांधी नीति हम, भगत सिंह को याद करें, वो समझो तो से ना समझे तो अब लातों से बात करें, समझो तो से ना समझे तो अब लातों से बात करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।